Yes, dear students, welcome here again on my channel Jankari Hit. Myself is Abhilashi Sharma. I'm again here on my channel Jankari Hit with you very important topic of accountancy, that is GST. GST. That is the first part. We are going to discuss about the basic and introductory issues of GST, which is very important. एक बात आप सबको ध्यान रखनी होगी कि आने वाले टाइम में आगे कोई भी आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करोगे, जर्नल एंट्रीज यहाँ पर होंगी, लेजर पोस्टिंग होगी, तो वहाँ जीएसटी के बिना काम नहीं चलने वाला, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीएसटी, जैसे इसका नाम बता रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज टॉपिक. यस, फर्स्टली एक ब्रीफ डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ. टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर. अ फेलियर टू पे टैक्स इज पनिशेबल बाय लॉ. समझ लगा मैंने क्या कहा? टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल पेमेंट है, चार्जेस हैं जो टैक्स पेयर पर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा लगाया जाता है. ओके, ताकि क्यों लगाया जाता है भाई? गवर्नमेंट को इतने खर्चे करने होते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो पब्लिक रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, वो सारे करने के लिए सोर्सेज जो हैं वो उसका गवर्नमेंट का टैक्स है. टैक्स कंपल्सरी पेमेंट मैंने बोला, अगर कोई नहीं पे करेगा तो सजा तो मिलेगी. दूसरा है टाइप्स ऑफ टैक्स, एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं. डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, वो कर जिस पर लगा है उसी ने पे किया, उसी ने सहन किया, वो उसका वर्डन किसी और पर सहन नहीं कर सकता. मुझे इनकम हुई, मैंने ही गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे किया, मैं उसका वर्डन आप पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, आपको बोलूंगी आप सहन करो, ऐसा नहीं है. ये है डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है फिर? अप्रत्यक्ष कर. वो समझने के लिए बताता हूँ, सारे दुकानदार जो हमसे चार्ज करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. इनडायरेक्ट टैक्स, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्या है फिर इनडायरेक्ट टैक्स का? मतलब वो टैक्स जो पे कोई और करता है, उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट होता है, सहन उस व्यक्ति को करना पड़ता है. डायरेक्टली अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो जो कस्टमर को या किसी प्रोडक्ट के जो फाइनल कंज्यूमर है उसको जो टैक्स सहन करना पड़ता है, उन टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. समझ लगा? यस. जैसे दुकानदार ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, पर वो अपनी जेब से करता तो जरूर है, एक बार देखता है, पर उसका फाइनल बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, हम सब पे. समझ आई बात? ओके, आगे बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये. जीएसटी कम्स इनटू इफेक्ट ऑन 1st जुलाई 2017 इन इंडिया विद 121st अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It has replaced several indirect taxes. The main objective behind GST is one nation, one tax, to develop common national market, uniform tax rate, to attract foreign investment, cheaper goods and many more are there. बताता हूँ आपको, हमारे देश में जीएसटी से पहले बहुत से एक भूमिका को समझना होगा. डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चार्ज करते थे. उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, किसी स्टेट में कोई वस्तु किस स्टेट पे मिल रही है, आप एक बाउंड्री ही क्रॉस करो स्टेट की, बॉर्डर क्रॉस करते सारी वस्तुओं के रेट चेंज. इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर बिजनेसमैन एंड कस्टमर एज वेल. कोई वस्तु कहां पर सस्ती मिलती, कोई कहां पर सस्ती मिलती, जब नेशन एक है तो एक टैक्स क्यों नहीं? इस मोटिव को लेकर गवर्नमेंट ने 2000 की अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब से एफर्ट्स किए, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, ये इसमें कामयाब रही. इसने 1st जुलाई 2017 को पार्लियामेंट में इस जीएसटी को पास कर दिया और सारे देश में एक ही टैक्स लग गया. अभी एक दो चीजें रहती हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी जो टैक्स है वो जीएसटी नहीं लग रहा, वो भी हो जाएगा, वो हमारे आने वाला वक्त बताएगा. ये है जीएसटी. जीएसटी का मेन मकसद एक देश एक मार्केट एक टैक्स, और देश में एक कॉमन नेशनल मार्केट बन सके, सभी लोगों पर यूनिफॉर्म रेट से, एक ही रेट से टैक्स लगे, तभी तो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हमारे पास आएगी ना,
तभी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के वो। और जब बार बार बहुत ज्यादा टैक्सेस समर्ज कर दिए गए तो वस्तुएं भी आने वाले टाइम में सस्ती ही मिलेंगी। यस, डिस्ट्रेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण आपको बताता हूँ। बेसिकली तीन टाइप का जीएसटी है जो हमें देखने को मिलता है। पहले इनके नाम देखते हैं। नाम क्या है, ध्यान से देखें। बहुत से लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। अरे नाम में भी बहुत कुछ रखा है। नाम में ही रखा है CGST, SGST एंड IGST। जीएसटी का मतलब सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो वस्तुओं पर भी लगता है और सेवाओं पर भी, जो सेवाएं सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं एज ए बिजनेसमैन, उन पर भी जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो सर्विसेज के रूप में लगता है। समझ लगा? तो ये दोनों पहले हम समझते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसको हम, जो सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी एंड ए स्टेट जीएसटी, ये एक्चुअली, मैंने ध्यान से देखो, इम्पोज ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट क्या होता है, किसी स्टेट की बाउंड्री वाल के अंदर अंदर। पंजाब में है, लुधियाना में वस्तु पैदा हुई, प्रोडक्शन की गई और पंजाब में ही उसकी सेल हो गई। समझ लगा? तो इसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। जो सीजीएसटी है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला एसजीएसटी है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है, जब स्टेट के अंदर, स्टेट की किसी एक बाउंड्री वाल, जैसे हरियाणा, पंजाब, हरियाणा के अंदर ही वस्तु प्रोड्यूस हुई, वहां पर ही उसकी सेल हुई और कंज्यूम हो गई। तो ऐसे जो स्टेट के अंदर बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है, उस पर जो टैक्स लगता है, उसके दो रूप हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उन पर जब जीएसटी लगता है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसे सीजीएसटी कहते हैं, जिस जो हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, जिस स्टेट में वो ट्रांजेक्शन हुई, तो उस स्टेट पे लगने वाले जीएसटी को हम एसजीएसटी कहते हैं। आप देख रहे हो ये यूटीजीएसटी क्या है, यह हमें पता है। हमारे देश में बहुत से जहां स्टेट है वहां पर यूनियन टेरिटरीज भी हैं, बात एक ही है, जो यूनियन टेरिटरी और सेंटर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जहां केंद्र शासित प्रदेश है, तो आधा जो टैक्स का अमाउंट है वो यूटी के पास जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इन आगे है थर्ड वन, देखो ये IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब दिख ही रहा है अभी, कंबाइंड, इसमें स्टेट और सेंटर का कोई अलग अलग हिस्सा नहीं होता, एक ही टैक्स लगता है। 18% लगा तो 18% ही IGST लगेगा। और जबकि जो पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी जो मैंने बताया है, इसमें अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो 9% सीजीएसटी, 9% SGST। IGST में ऐसा नहीं है, 18% 12% जितना भी लगा वो हमें एग्जाम में दिया होगा। ये कहां लगता है IGST? इट इज लेव्ड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ध्यान से भी, ये इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आसाम, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, अगर इन स्टेट्स में आपस में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है, या फॉरेन के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर के देशों के साथ, उस पर जो जीएसटी लगता है वो है IGST। क्लियर हो गया? अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से। नेक्स्ट वन, अब मैंने दोबारा रिविजन करते हैं, नोट दिया यहाँ पे। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, इंटर स्टेट मीन्स आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द स्पेसिफिक रेट ऑफ जीएसटी हैज बीन डिवाइडेड एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन इक्वल। समझ लगा? मैंने ये बताया अभी आपको, अगर इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो जो जीएसटी लगता है आधा सीजीएसटी के रूप में सेंटर के पास चला जाता है और आधा स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल जीएसटी 18% है, तो 9% विल बी ट्रीटेड एज सीजीएसटी, 9% एज एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। समझ लगी ये बात? ओके, नेक्स्ट वन,
जीएसटी को अकाउंटिंग पर्पस से देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आ गया भाई, आप निगाहें इधर उधर मत करना, ध्यान से। अकाउंटिंग के पर्पस से हमने एक बार आपको बताया कि जीएसटी की तीन टाइप हैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, पर अकाउंटिंग के पॉइंट से हमारे पास छह टाइप बन जाएंगी। अब कैसे मैं बताता हूँ, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, इंटर या इंट्रा स्टेट के केस में हमें पता है ये कैसे लगते हैं। जब सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी लगना हो, कब? इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और एनी एक्सपेंसेस। तो जो इन तीनों में से जीएसटी लगता है उसको हमें इनपुट कहते हैं, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, ध्यान रखो। ओके, बताता हूं आगे, क्लियर, चिंता की बात नहीं, आगे बताता हूं इनपुट क्यों, ऐसा क्यों है। आगे है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन केस ऑफ एनी इनकम टू द बिजनेस। तो ये तीनों जो सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी लगते हैं, जो भी लगेंगे, दोनों लगे या आई जी एस टी लगे, तो उसके साथ हम आउटपुट वर्ड यूज करते हैं तीनों के साथ। ये ध्यान रखना, कब? जब सेल होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, कोई इनकम हुई तो आउटपुट जीएसटी लगता है, सी एस और आई का मैं बता चुका हूं। परचेज करते हैं, फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, एक्सपेंसेस होता है तो जीएसटी जो लगता है वो इनपुट होता है, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, कोई इनकम होती है तो आउटपुट होता है। ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इनपुट आउटपुट जीएसटी। अब सिर घूमने लगा ना ये बंदा भी, तो देखो इसका सिर घूम रहा है। यस, थोड़ा सोचते हैं, आसान बनाते हैं, सिर घूमना छोड़कर हम सिंपल बना देते हैं। ये बात ध्यान रखो, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट द इनकम फॉर बिजनेस इन केस ऑफ सेल। बिजनेसमैन ने जब सेल की, एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को या कंज्यूमर को सेल की, उसको जीएसटी मिला, वो बिजनेस की इनकम नहीं है भाई, वो तो उस बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को पे करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है उस बिजनेसमैन के लिए। ध्यान रखना, जब सेल हो रही है वो देना ही पड़ता है। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, जब जीएसटी कलेक्ट करता है बिजनेसमैन सेल के केस में, उसको हम आउटपुट जीएसटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आउट ही जाना होता है बिजनेस से, बिजनेस के पास नहीं रहने वाला होता। ध्यान रखो, जीएसटी पेड इज नॉट द कॉस्ट फॉर बिजनेस इन केस ऑफ परचेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब बिजनेसमैन ने परचेज की है, हम बिजनेसमैन है, हमने परचेज की, जीएसटी पे करके आए, मान लो हमने चंडीगढ़ से कोई सामान खरीदा, हमने जीएसटी पे कर दिया, हम बिजनेसमैन है, तो ये हमारे बिजनेस की कॉस्ट नहीं। आजकल ये बड़ा चल रहा है, बिजनेसमैन बड़ा आपने आप में दिखाते हैं कि हमने तो जीएसटी पे किया है। भाई आप कहाँ अपनी जेब से दे रहे हो, आप कस्टमर से चार्ज करोगे, वो बिजनेस की कॉस्ट नहीं होता। जो जीएसटी वहां पे करके आते हैं ना बिजनेसमैन, वो आउटपुट जीएसटी में से एडजस्ट करके निकाल के बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, वो अपनी जेब से नहीं भरते। समझ लगा, कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे, इनपुट को आउटपुट में से कैसे निकाल के अपने पास रखते हैं वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे, जहां जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे हम इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट। ओके, ये ध्यान रखना, जीएसटी जब सेल के केस में कलेक्ट करता है बिजनेसमैन तो वो इनकम भी नहीं है, अगर बिजनेसमैन पे करता है परचेज के केस में तो बिजनेस की कॉस्ट भी नहीं है। देन व्हाट टू डू विद जीएसटी इनपुट और आउटपुट, ध्यान रखना, इनपुट जीएसटी मींस जीएसटी पेड, यस ये ध्यान रखना होगा, जब परचेज करते हैं तभी तो जीएसटी पे किया जाता है, इनपुट का मतलब पेड, हमने दिया एज ए बिजनेसमैन, हमने पे कर दिया, कोई वस्तु परचेज की थी। आउटपुट जीएसटी मींस जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर और द पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है हमने जीएसटी कलेक्ट कर लिया उस व्यक्ति से जिसको सेल की। ध्यान से सोचो, है आउटपुट, ठीक है, बिजनेस के पास आ रहा है, आउट मींस बाहर होता है, बाहर क्यों है, क्योंकि जो हमने कलेक्ट किया है वो अपनी जेब में नहीं रहता, वो गवर्नमेंट के पास जाना होता है। जो हम एज ए बिजनेसमैन पे करके आए हैं इनपुट जीएसटी, उसको इनपुट मैंने अंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन पे जरूर करता है पर वो वापिस उसने उसको ले लेना होता है, क्योंकि वो अपनी जेब से कभी भी एक बार पे जरूर कर देगा, सहन नहीं करेगा।
ऑलवेज कीप इन माइंड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये बहुत बड़ा इशू है, ये ध्यान रखना होगा। जो इनपुट जीएसटी है वो बिजनेसमैन जो पे करके आता है, जब वस्तु को परचेज करता है अपनी जेब से नहीं भरता, उसको आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ कर लेता है। कैसे करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं बहुत डिटेल में। पूरी वीडियो ये भी देखो तभी आपको सेकंड समझ आएगी। फर्स्टली ईच आउटपुट सेट ऑफ अगेंस्ट सेम इनपुट, ये बात अब समझने की नहीं है जब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना समझ लो जो इनपुट जीएसटी जिस टाइप का भी है, सीजीएसटी एसजीएसटी जो आईजीएसटी, वो इनपुट उसी आउटपुट जीएसटी में से पहले सेट ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं ये आने वाले टाइम बताएंगे हम आपको जी नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट, व्हेन परचेज एसेट्स, रिवाइज करते हैं, व्हेन परचेज ऑफ परचेज एसेट एक्सपेंसेस सेल रिटर्न, ये सारे अकाउंट जब डेबिट होते हैं तो इनपे जो जीएसटी लगता है वो भी डेबिट होता है, ध्यान रखना। जब सेल इनकम परचेज रिटर्न के कारण ये सारे अकाउंट सेल इनकम परचेज रिटर्न के क्रेडिट होते हैं, जो इनका रिलेटेड जीएसटी है जो भी है तीनों में से, ध्यान रखना सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो वो भी क्रेडिट होंगे। कब? वाइल पासिंग जर्नल एंट्री, जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिए। ये मैंने दो हिस्से बनाए, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, इन केस ऑफ इंटर स्टेट। मान लो हम पंजाब या हरियाणा या दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे स्टेट में ही वस्तुएं पैदा हुई, यहीं पर परचेज और सेल हुई जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, तो उसको हमें इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट कहते हैं। अगर हमारे स्टेट से परचेज और सेल आउट ऑफ स्टेट हो रही है किसी दूसरे स्टेट के साथ, समझ लगा, या बाहर के किसी देश के साथ, तो उसे हम कहते हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट, समझ लगा। इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी लगता है, और इंट्रा स्टेट के केस में जो मैंने लेफ्ट हैंड पे दिखाया इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जितना भी जीएसटी है वो आधा आधा बंट जाता है। इंटर स्टेट में सारा का सारा जो जीएसटी लगा वो आईजीएसटी होता है। ओके, परचेज ऑफ गुड्स, फर्स्ट केस करते हैं। हमने गुड्स परचेज की, परचेज की एंट्री हमें आती है, ये मान के चलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और क्रेडिटर। क्रेडिटर कब होता है? जब उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने परचेज किया, अगर हमने उसको क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, तो क्रेडिटर आ जाएगा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मेन आज का जो हमारा इशू है वो जीएसटी है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज पे मैंने बोला इनपुट सीजीएसटी लगता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मान लो 18% जीएसटी था तो 9% इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा, 9% एसजीएसटी। किस पर लगेगा 9%? जो हमने परचेज किया है उस वैल्यू पर। ओके, कैश पेमेंट की तो कैश, बैंक से पेमेंट की तो बैंक आ जाएगा, क्रेडिटर मींस अगर क्रेडिट पेमेंट है तो क्रेडिटर आ जाएगा। सेम अब मुझे लगता है राइट हैंड साइड वाला क्लियर हो गया होगा। जब परचेज करते हैं इंटर स्टेट के केस में, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर, कोई भी केस है वो लग जाएगा। अब ध्यान रखो यहां पर केवल एक ही जीएसटी है आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट है। यहां पर जीएसटी लेफ्ट हैंड साइड में दो है, एक सीजीएसटी एक एससीएसटी, आधा हिस्सा सेंटर का आधा स्टेट का। ओके, आ गया फोर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में हमें पता है जो परचेज की एंट्री है वो रिवर्स हो जाती है भाई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब जीएसटी जो लगा था जैसे फर्स्ट पार्ट में, यहां देखो वो भी रिवर्स हो जाएगा। परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट हो रही है तो परचेज पर लगा हुआ जो जीएसटी था वो भी पहले डेबिट हो रहा था परचेज पे, अब परचेज रिटर्न के केस में क्रेडिट हो गए दोनों, क्योंकि इंट्रा स्टेट है टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, जितनी भी वैल्यू है परचेज रिटर्न की। और परचेज रिटर्न इन केस ऑफ इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सेम ट्रांजेक्शन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आईजीएसटी भी उसी तरह से क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब परचेज की थी आईजीएसटी डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न के केस में आईजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना? जितनी परचेज रिटर्न करेंगे भी उस पे उतनी परसेंटेज जितना उसने दिया हुआ हुआ। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर हमने फिक्स एसेट परचेज किया, हमें पता है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ये होता है, तो जीएसटी भी उसी तरह से दो तरह का लगेगा। इंट्रा स्टेट के केस में आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इनपुट, दोनों परचेज पे मैंने बताया था आपको क्या होता है इनपुट। इन केस ऑफ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के केस में क्या होगा, वही फिक्स एसेट, जो भी मशीनरी फर्नीचर जो भी फिक्स एसेट हमने परचेज की, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, जीएसटी एक ही लगेगा, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जिससे भी पेमेंट की। फॉर सेल ऑफ गुड्स, अब आते हैं जी सेल पे। अगर हमने गुड्स सेल की हैं तो हमें क्या पता है क्या होता है, ध्यान से हमें पता है
कैश अकाउंट है वे टू सेल, ये होता है। अगर क्रेडिट सेल किया तो डेटर्स अकाउंट है वे टू सेल। सेल पर जो जीएसटी लगता है इंटरेस्ट रेट है तो आउटपुट लगेगा, लगेंगे वही दोनों सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, हाफ सेंटर का हाफ स्टेट का, पर सेल के केस में जो जीएसटी होता है क्योंकि हमने सेल की, कस्टमर से हमारे पास जीएसटी आ गया वो गवर्नमेंट के पास जाना है, तो उस जीएसटी को हम आउटपुट कहते हैं। जब हम परचेज करते हैं हम पे करके आते हैं परचेज के केस में एज ए बिजनेसमैन, बट वो हमने कस्टमर से चार्ज कर लेना होता है जब वो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा। तो जो जीएसटी परचेज के टाइम होता है उसको इनपुट कहते हैं, सीधी बात समझ लगा। आगे आ जाओ राइट हैंड साइड पे, फॉर सेल ऑफ गुड्स इंटरेस्ट रेट के केस में कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और आउटपुट आईजीएसटी, समझ लगा एक ही जीएसटी वो है आईजीएसटी। सारा अगर 18% है 18 का 18% आईजीएसटी। ओके आ गया सेलर रिटर्न, सेलर रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, समझ लगा आउटपुट जीएसटी। सेल के केस में नीचे देखो पहले, ये नीचे एंट्री है जो मैंने पहले समझाई थी वही, जब सेल होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। तो सेल रिटर्न के केस में ये देखो, फर्स्ट जो है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, वही जो दोनों नीचे वाले आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट थे, अब क्या हो गए डेबिट टू डेटर्स। इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी आएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी टू डेटर्स, समझ लगी मेरी बात। ये जो ट्रांजेक्शन है ये मैंने बताई थी सेल के रिगार्डिंग, ताकि हमें पता चल सके सेल रिटर्न में जो ये ट्रांजेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं, मैंने बोला था एक्सपेंसेस पे इनपुट लगता है, इनपुट सीजीएसटी। यस डियर फ्रेंड, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। आज हमने बात की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसने भारत में हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस का रजीम था उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। लंबे समय से इंतजार था, सन 2000 से इसके बारे में एफर्ट्स चल रही थी, फाइनली इस गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, इसने बहुत क्रांतिकारी कदम लिया। जुलाई 2017 से वन नेशन वन टैक्स, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए लोगों को आने वाले टाइम में सस्ती हुई वस्तुएं, ताकि सारे देश में व्यक्ति कहीं भी मार्केट को डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, कोई व्यक्ति कहीं से खरीद सके। इस सारे उद्देश्यों को पूरा करता हुआ ये जीएसटी हमारे देश में लागू हो चुका है। हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है, सीजीएसटी आईजीएसटी, और हमने बात की एसजीएसटी के बारे में। इसके अलावा मैंने बात की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आज की वीडियो में। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है अकाउंटिंग एंट्री के रिगार्डिंग, वो है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें नॉर्मल जो जनरल एंट्रियाँ विदाउट जीएसटी वो आती होंगी। तो जीएसटी का जो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के साथ ही पार्ट टू बनकर इस चैनल पे है, उसमें आप देख पाएंगे कि जीएसटी को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कैसे डील करते हैं, तब तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर आपका कोई इशू है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें। आई विल बी हियर विद यू with a new video on my channel, Jankari Hit, for your hit. Till then, thank you very much.